बाल गणेश की एक अनोखी कहानी। बचपन में थे जब वो माँ पार्वती स्नान करने जा रही थी, तो उन्होंने बाल गणेश को अपने अंश से बनाया। फिर उन्होंने कहा कि बाल गणेश, मैं स्नान गृह में जा रही हूँ स्नान करने, दरवाजे पर कोई आए तो अंदर मत आने देना। तो बाल कृष्ण बोले कि ठीक है माता, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। तो माँ बोली कि पार्वती की कि मुझे तो विश्वास नहीं है। तो गणेश भगवान बोले, विश्वास कीजिए माँ, कोई नहीं आएगा। तो जब वहाँ पे शंकर भगवान आते हैं, जाने लगते हैं, तो गणेश भगवान बोलते हैं, प्रभु आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। बोले क्यों? क्योंकि माँ पार्वती ने मुझे आदेश दिया है कि हम अंदर नहीं जा सकते, वो स्नान कर रही हैं। तो बोले आप कौन हो? तो बोले मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ। तो बोले तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं पार्वती का पति भोलेनाथ शंकर हूँ। तो गाल गणेश बोले, नहीं प्रभु, कोई भी अंदर नहीं जा सकता, ये माँ का आदेश है। तो इस पे शंकर भगवान गुस्सा होने लगते हैं। तो नंदनी जो गाय थी वो बोली, ठीक है प्रभु, रुकिए, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं थोड़ा देखती हूँ, समझा के बालक को। तो नहीं मानते हैं गणेश भगवान, बोलते हैं मेरे को हटा के दिखाओ। सब लोग आपस में लड़ाई उड़ाई करते हैं, सभी बहुत लोग आते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा जी आते हैं, सबसे लड़ाई होता है, फिर भगवान गणेश जीत जाते हैं। इसके बाद भगवान शंकर को गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में उन्होंने बाल गणेश का गर्दन ही काट दिया। तो इस पे माता नहा के आती हैं, तो वो भी गुस्सा करती हैं, कहती मेरे पुत्र को जीवित करो, वरना मैं अपने जीवन को त्याग दूंगी। तो इसी पर मजे बहुत सारा रिक्वेस्ट करने पर शंकर भगवान बोले, ठीक है, जाइए, जिसका गर्दन मेरे अस्त्र से न कटा हो उसको लेकर आइए, और जिसकी माँ अपने बच्चे के मुंह की तरफ पीट करके बैठी हो। तो इसके बाद गए अपना लेकर, देखें कि ये खाती थी जो अपने बच्चे को ये तरफ पीट करके बैठी हुई थी, तो उसके गर्दन को लाकर लगा दिए, तो गणेश भगवान जीवित हो गए। और एक बार की बात है, भगवान गणेश और कार्तिक में बहस हो रहा था कि मैं स्ट्रांग हूँ, बोले थे मैं स्ट्रांग हूँ। तो भगवान नारद बोले, ठीक है, जो अपने माता जो इस पृथ्वी का 3 चक्कर लगा के आएगा वो विजेता होएगा। तो भगवान कार्तिक तो अपना मोरों का सवारी लेकर फटाक से चल देते हैं, और भगवान गणेश तो सोचते हैं कि मैं कहाँ कैसे जाऊँगा। तो क्या करते हैं कि वो अपना तो अपने माता पिता शंकर भगवान और पार्वती का ही चक्कर लगाते हैं, क्योंकि माता पिता के पैरों में ही